सोशल मीडिया पर ये वीडियो हिंदू देवी दुर्गा के विसर्जन का बताते हुए शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर्स कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर हमला किया गया। वायरल मैसेज में भी ये लिखा है कि हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति पर पत्थर बरसाए गए। ये वीडियो सांप्रदायिक एंगल के साथ ट्विटर से लेकर फेसबुक पर वायरल है। वहीं इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने ही देश में तीज त्योहार मनाने पर कब तक हिंदुओं को पीटा जाएगा। तो क्या वाकई में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे इन हिंदू भक्तों पर हमला किया गया? जांच के दौरान ऑल्ट न्यूज ने पाया कि 7 अक्टूबर को बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो दुर्गा पूजा समितियों के बीच टकराव हुआ था। दोनों समूहों ने एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला किया था। न्यूज 18 की इस रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से लिखा है कि ये बवाल पहले दुर्गा विसर्जन करने के लिए हुआ था। दोनों समिति एक दूसरे से पहले विसर्जन करने की होड़ में भिड़ गए थे। मीडिया एजेंसी ANI ने ट्वीट करते हुए इस घटना की जानकारी दी थी। ट्वीट थ्रेड में ASP राजेंद्र जायसवाल के हवाले से बताया गया है कि ये विवाद दो दुर्गा पूजा कमेटियों के बीच हुआ था। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान झांकियां निकल रही थी और उस वक्त सनीचेरी बाजार और कुदुदंड दुर्गोत्सव समिति के लोगों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। पहले पक्ष से अभिजीत तिवारी ने हिमांशु राय, शैलेश, पारस सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया, तो वहीं दूसरे पक्ष से शैलेश कश्यप ने नवीन तिवारी, विजय गुप्ता और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो जैसा कि आपने देखा, बिलासपुर में दो दुर्गा पूजा समितियों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस घटना को सांप्रदायिक एंगल देकर सोशल मीडिया पर दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंदुओं पर हमला होने का झूठा दावा किया गया।